हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो हम PYQs कवर कर रहे हैं, और उन PYQs की सीरीज में आज हम क्वेश्चंस जो कवर करेंगे वो है 71 से 80 के क्वेश्चंस, ठीक है। और उन PYQs को भी हम कॉन्सेप्ट के साथ कवर कर रहे हैं कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्कशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपने पहले के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो भी हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है जी। सो लिस्ट वन, इन्होंने क्या बोला है, लिस्ट वन गिव्स द नेम्स ऑफ इंटेलिजेंस थियोरीज एंड लिस्ट टू इंडिकेट्स द प्रोपोनेंट्स ऑफ थियोरीज। तो कौन सी थियोरी है, किसने दी है, इतनी सी बात है। अगर आपने वीडियोस भी ध्यान से देखी होंगी या आपने थोड़ा सा बेसिक भी पढ़ रखा होगा तो भी ये क्वेश्चन आपका गलत होना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी किसने दी है, हॉवर्ड गार्डनर ने, ठीक है। यानी सी का जो है वो क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अच्छा, मल्टीपल फैक्टर थियोरी ये किसने दी है, थर्स्टन ने दी है, ठीक है। सो ए का हो जाएगा थर्ड, सी का हो जाएगा सेकेंड। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल जेपी गिलफर्ड का मॉडल है। और इमोशनल इंटेलिजेंस थियरी किसने दी है, इमोशनल गोलमैन ने, डेनियल गोलमैन ने, ठीक है। सो क्या आंसर होगा इसका, ए का थर्ड। सो ए का थर्ड अगर हमें पता है, उसी में ही हमारा आंसर निकल के आ गया कि हमारा आंसर ए होगा, ठीक है। फोर्थ, सेकेंड एंड फर्स्ट, वो आप फिर आगे कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है, लिस्ट वन इंक्लूड्स द नेम ऑफ इंडियन थिंकर्स। सो लिस्ट वन में थिंकर्स के नाम है, लिस्ट टू में ऑथर के नाम है, सॉरी लिस्ट वन में जो है क्या है, थिंकर्स हैं, लिस्ट टू में उनकी बुक्स हैं, बुक्स ऑथर्ड बाय देम, ठीक है। सो वो क्या क्या है, वो मैच करनी है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का तो सबको पता है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सो ये तो कंफर्म है, ठीक है। तो दो चार बुक्स तो ऐसी हैं जो आप भूल ही नहीं सकते। एक सावित्री बाई द लेजेंड का रिलेटेड कुछ है, वो अरोबिंदो ने लिखी है, वो याद रखिएगा, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है द होम एंड द वर्ल्ड, सो ये सेकंड हो जाए, थर्ड हो जाएगा। अगर हम आंसर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें तो फर्स्ट का फोर्थ, तो ये देखिए फर्स्ट का फोर्थ पता चलते ही हमें आंसर पता चल गया कि हाँ, हम कंफर्म हैं कि गांधी जी ने तो यही लिखी है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। सो बाकी ऑप्शंस इन्होंने खुद बता दिए कि ये लीजिए हम बता देते हैं। सो सेकंड क्या रहेगा, अरोबिंदो ने, ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने, थर्ड होम एंड द वर्ल्ड, अरोबिंदो ने द लाइफ लाइफ डिवाइन, और बर्टमैन भारत किसने लिखी है, स्वामी विवेकानंद ने। सो इन बुक्स के नाम याद रख लीजिएगा, एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर में आई है उन उनके तो रख ही लीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो टी डी जो है वो हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, लिस्ट टू गिव्स 25 मेटाफिजिकल कैटेगरीज ऑफ सांख्य फिलोसफी एंड लिस्ट टू प्रोवाइड्स देयर टाइप्स, ठीक है। सो ये जो है क्या है, ये उल्टा हो गया लिस्ट वन और टू का, देख लीजिएगा। लिस्ट वन में टाइप्स दे रखे हैं, कॉज ओनली, इफेक्ट ओनली, बोथ कॉज एंड इफेक्ट, नीदर कॉज एंड नोर इफेक्ट। और मेटाफिजिकल कैटेगरीज यानी कि सांख्य फिलोसफी अगर आपने पढ़ी है तो आप सॉल्व कर पाएंगे इसको। 25 मेटाफिजिकल कैटेगरीज हैं इसमें, एक बार उन्हीं को देख लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए तो ये मेटाफिजिकल कैरेक्टर क्या है, 25 मेटाफिजिकल कैटेगरीज हैं। फर्स्ट क्या है, पुरुष एंड प्रकृति। सो ये प्रकृति और पुरुष ये दो चीजें मिलके बनती हैं, मिलके सांख्य फिलोसफी मानती है कि इन दोनों चीजों का मिलन है, ठीक है। फिर जो है थर्ड क्या है, वो महत है। फोर्थ है अहंकार, और अहंकार को ये तीन भागों में बताते हैं कि सत्व, रजस और तमस, ठीक है। जो सत्व है उसी के अंदर क्या जाएगा, मनस। यानी कि फर्स्ट क्या हो गया, पुरुष, सेकेंड प्रकृति, थर्ड महत, फोर्थ अहंकार, फिफ्थ जो है मनस, प्लस पांच सेंस ऑर्गन और पांच मोटर ऑर्गन्स। ऐसे ही तमस में होंगे पांच सटल एसेंस और पांच ग्रोस बॉडीज, ठीक है। और उन्हीं की बात यहां पे की गई है, ये देखिए, पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, फाइव सटल एसेंसेस, ठीक है, फाइव सेंसरी ऑर्गन, फाइव मोटर ऑर्गन, मनस और फाइव ग्रोस बॉडीज। सो ये 25 के 25 आपको थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सा क्या है। पुरुष, ये जो प्रकृति है वो कॉज ओनली रहेगा, पुरुष जो है वो ना कॉज रहेगा ना इफेक्ट रहेगा, ठीक है। यानी ये तो ओवर क्रॉस हो गया फर्स्ट का फोर्थ, तो ये देखिए फर्स्ट का फोर्थ भी अगर आपको पता है तो आंसर ए हो गया आपका, ठीक है। फर्स्ट का फोर्थ, और ये फोर्थ का जो है फर्स्ट पुरुष। इफेक्ट ओनली में आप याद रखेंगे कि फाइव सेंसरी ऑर्गन्स, फाइव मोटर ऑर्गन्स, मनस और फाइव ग्रोस बॉडीज, और बोथ कॉज एंड इफेक्ट में महत,
अहंकार और फाइव सटल एसेंसेस। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ये 25 के मतलब क्या क्या, कौन कौन से टाइप्स में ये इंक्लूडेड होते हैं। ये कई बार थोड़ा सा ऊपर नीचे करके पूछ लिया जाएगा, कई बार तो ये चार दे रखे इसकी जगह तीन दे दिए जाएंगे, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चंस ये आ जाते हैं। सो ये ए जो है वो सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर आईसीएफ मॉडल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिसेबिलिटीज। तो आईसीएफ मॉडल के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं? बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स, पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पॉलिसीज फ्रेम्ड फॉर डिसेबल्ड, फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट की फंडिंग और पॉलिसीज डिसेबल्ड के लिए अलग अलग रहेंगे, और बाकी जो तीन चीजें जो फर्स्ट थ्री ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, वो आईसीएफ मॉडल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिसेबिलिटीज में इंक्लूडेड रहेंगे। यानी ए बी सी बी जो है वो सही आंसर होगा। Identify the statements which indicate the needed action for a change process of an organization. So, जो change management से related चीजें हैं या model हैं, जैसे मैंने three step model करवाया था, वो आपने किया ही होगा, देखा होगा तो ठीक है। So, उसमें से चीजें पूछ रखी हैं कि एक process जो होता है needed action, उसमें क्या क्या होंगे। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट गो थ्रू अनफ्रीजिंग, अगर थ्री स्टेप मॉडल आपने किया है जिसमें हमने पहले अनफ्रीज करेंगे और उसके बाद चेंज करेंगे, देन रीफ्रीज करेंगे, ठीक है। सो ये थ्री स्टेप मॉडल था, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन को पहले अनफ्रीज होना पड़ेगा, तभी जाके वो किसी और मोल्ड में या किसी और चीज में हम उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। एंजाइटी वन फियर ऑफ चेंज शुड बी डिक्रीज, यानी फियर ऑफ चेंज कि चेंज ही नहीं होना या चेंज होने के नाम से डर लगना, सो वो एंजाइटी वो कम करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी। दूसरा फियर ऑफ नॉट चेंजिंग, कई बार होता है कि नहीं चेंज होना, ठीक है, सो वो चीज भी यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। सो अडॉप्शन ऑफ एनी इनोवेटिव प्रोसीजर लीडिंग टू ट्रायल, कि कोई भी ऐसा इनोवेटिव प्रोसीजर उठाया जिसको फिर ट्रायल करके देखा, या डिस्कशन बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ फोर्सेस, रीस्ट्रेनिंग एंड ड्राइविंग। सो ये जो फर्स्ट थ्री है ना, क्योंकि हमसे तीन ही ऑप्शन पूछे गए हैं इनमें से, सो अनफ्रीज करना पड़ेगा, फियर ऑफ चेंज और फियर ऑफ नॉट चेंज, ये दोनों को जो है चेंज करना पड़ेगा। सो ये क्या है, ए बी सी, ए बी सी यानी डी ऑप्शन जो है वो सही हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रपोज्ड बाय एडवर्ड डेमिंग। सो एडवर्ड डेमिंग आपने वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, क्वालिटी गुरु है, तीन क्वालिटी गुरु है, तीनों की तीनों वीडियोज अपलोड हो चुकी है और तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एडवर्ड डेमिंग, वाल्टर शावर्ट, शहर्ट, शुहर्ट बोलते हैं उनको, शुहर्ट ये उनकी प्रोनंसिएशन रहेगी। अच्छा, उसके बाद जो है एडवर्ड डेनिंग हो गया और सी के प्रहलाद, तो ये तीन क्वालिटी गुरु जो है वो हमारे सिलेबस में है यूजीसी नेट एजुकेशन के। सो इनको तो एटलीस्ट करके जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। सो जो इन्होंने 14 पॉइंट्स प्रपोज किए थे, उन्हीं में से पूछा गया है क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कि कौन सा प्रपोज इन्होंने किया है, ठीक है। अडोप्ट न्यू फिलोसफी को अडोप्ट करना, डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन, सीज डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन, कोर्स फॉर पुअर परफॉर्मेंस, ये नहीं होगा, इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन द जॉब, ड्राइव आउट द फियर। तो सी को छोड़ के बाकी तो है ही, ए बी डी ई, ए बी डी ई यानी सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस इन जनरेटिंग अ ग्राउंडेड थियरी। सो ग्राउंडेड थियरी किसने दी है, ये मैं आपको पहले के क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ, वो आपको कमेंट करना है कि ग्राउंडेड थियरी किसने इंट्रोड्यूस की थी या किसने दी है। उसकी सीक्वेंस आज हम देख लेते हैं कि क्या सीक्वेंस रहेगी जब आप ग्राउंडेड थियरी को जनरेट करते हैं, ठीक है। कोडिंग एंड मेमोइंग, डिसाइडिंग अबाउट द नीडेड सैम्पलिंग डिजाइन एंड डाटा कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर वेरिएबल लीडिंग टू इट्स सैचुरेशन, कैटेगराइजेशन एंड कंपैरिजन, थियरी वेरिफिकेशन एंड जनरलाइजेशन एंड एमर्जिंग। सो देखिए, थियरी को वेरीफाई करना तो सबसे लास्ट का काम हो गया ना, तभी इन्होंने ई जो है वो सब में लास्ट में दिया है, ठीक है। सो ई का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सैम्पलिंग के डिजाइन, डाटा कलेक्शन, वो जो नीड है ना, वो जो वो सारी चीजों को हम डिसाइड करेंगे। सो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, डिसाइडिंग अबाउट नीडेड सैम्पलिंग डिजाइन एंड डाटा कलेक्शन। डिसाइड करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, कोडिंग एंड मेमोइंग करेंगे, उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, ये आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाइंग कैटेगरी, पहले आप कैटेगराइज करेंगे, देन आप आइडेंटिफाई करेंगे कोर वेरिएबल को जो जिसकी वजह से सैचुरेशन हो रहा है, और देन लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, थियरी का ये। सो क्या ऑप्शन रहा, बी ए डी सी ई, बी ए डी सी ई यानी डी।
सो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा. सो ये जो सीरीज है ना पांच, इनकी पांच सीक्वेंस जो है ये पांच स्टेप्स की, ये आपको याद रखनी है. ठीक है, तो बेशक यहीं से इन स्टेप्स को रीअरेंज करके आप एक नोटबुक में लिख लीजिएगा कि ग्राउंडेड थियरी जब जनरेट करते हैं सो क्या सीक्वेंस रहेगी. ह्यूमन कैपिटल थियरी गिव्स एम्फेसिस ऑन, सो ह्यूमन कैपिटल थियरी, जब हमने किसी तो क्वेश्चन में मैंने ये करवाया था कि ह्यूमन कैपिटल थियरी किस पे फोकस करती है. सो अगर आपने नहीं देखा है तो कभी तो आपने पिछले क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. सो ह्यूमन कैपिटल थियरी एजुकेशन पे तो एम्फेसिस करती है, इतना तो हमें पता है, यानी इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन तो डेफिनेटली है. इन सर्विस एजुकेशन ऑफ स्टाफ, ये भी एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं. ठीक है, आप स्टाफ की रिक्रूटमेंट या स्टाफ का मोटिवेशन, सो मोटिवेट करते हैं स्टाफ को, वो बेटर रहेगा, वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेके आएगा. सो बी सी डी यानी सी, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा. नेक्स्ट है, व्हाइल प्रिपेयरिंग अ बजट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कंसिडर्ड टू बी मैंडेटरी. ये क्वेश्चन भी घुमा फिरा के दोबारा पूछा गया है, सेम पेपर में पूछा गया है. और तो कौन कौन, जब आप बजट प्रिपेयर करते हैं तो कौन कौन सी चीजें मैंडेटरी आप कंसिडर करेंगे ही. सो दो चीजें तो बहुत मैंडेटरी होती हैं, एक रेवेन्यू होता है, एक एक्सपेंडिचर होता है. ठीक है, सो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर यानी ए और सी तो डेफिनेटली रहेंगे. सो ए और सी इसमें है या फिर इसमें है. सो बी और डी में से, इंस्टीट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स या जो है कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, तो इंस्टीट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स पे आप कंपैरेटिवली ज्यादा फोकस करेंगे. रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर प्लस इंस्टीट्यूशन के ऑब्जेक्टिव, कि क्या ऑब्जेक्टिव के साथ आप आगे चल रहे हैं. ठीक है, सो ए बी सी यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका. लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन इन बुद्धिस्ट फिलोसफी. तो बुद्धिस्ट फिलोसफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा तो ही आपको आता होगा. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कंडीशनल एंड रिलेटिव. हर चीज कंडीशनल है, रिलेटिव है, ऐसा कुछ वो नहीं होता कि अनकंडीशनल चीजें चल रही हो. ठीक है, फ्रॉम द अल्टीमेट स्टैंड पॉइंट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन संसारा एंड निर्वाणा. सो एक अल्टीमेट स्टैंड पॉइंट पे आके आप देखेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं बचता कि संसार और निर्वाण क्या है. आप चाहे संसार में हैं, निर्वाणा के बाद हैं, या जहां भी हैं, उसके बाद आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा. All appearances have real origination. जितने भी appearances आपको दिखती हैं वो real origination में हैं. Appearances are not devoid of ultimate reality. All appearances being relative have no real origination. So A, B, E. ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा. जब भी आप बुद्धिस्ट फिलोसफी करें, बुद्धिस्ट एजुकेशन के बारे में मैंने बात की हुई है, वो वीडियो देखिएगा एक बार जाके. और उसके अलावा आपको बुद्धिस्ट फिलोसफी के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए. चार नोबल ट्रुथ की बात करते हैं, ये है वो चार नोबल ट्रुथ जो आपको याद रखने हैं. आठ नोबल फोल्ड पाथ की बात करते हैं, सो ये आठ नोबल फोल्ड पाथ है, जैसे राइट फेथ और राइट व्यू, जिसको सम्यक दृष्टि भी बोलते हैं. तो इस तरीके से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों जगह पे आप इसको याद कर लीजिएगा. दूसरा, जब आप राइट फेथ और राइट रिजोल्व को जो है साथ लेके आते हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड को जब आप साथ लाएंगे फोल्ड पाथ में, सो वो क्या, उसको क्या बोलेंगे, प्रजना. थर्ड फोर्थ फिफ्थ को कंबाइन करके सिला, और सिक्स सेवन्थ एट्थ को कंबाइन करके समाधि बोलेंगे. सो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार ना ये वर्ड एग्जैक्ट एकदम से सामने आते हैं, प्रजना क्या है, समाधि, सिला, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. तो ये चीजें, ये जो स्लाइड आपको दिख रही है, ये याद करने वाली चीजें हैं, इनको ध्यान में रख लीजिएगा. So this was all about today. Thank you so much for watching. अगर आपको videos informative लग रही हैं तो like, share, subscribe कर दीजिएगा. कुछ समझ नहीं आया है तो comment कर दीजिएगा. समझ आ गया है तो समझ आ गया ये comment कर दीजिएगा. So this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy and keep smiling.